यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ महिंद्रा XUV 900 के बारे में, जो कि महिंद्रा की फर्स्ट SUV कॉप होने वाली है। तो फ्रेंड, अगर आपको याद हो तो जो महिंद्रा XUV एरो है, उसको 2016 ऑटो एक्सपो पे शोकेस किया गया था, मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट है वो शोकेस किया गया था। और फ्रेंड, रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से बोला जा सकता है कि महिंद्रा की जो अपकमिंग SUV कॉप है, वो हमें XUV 900 देखने को मिलने वाली है, जिसका कोड नेम हमें WC20 देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड, ये हमें टॉप मैनेजमेंट के साथ देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड, ये महिंद्रा की फर्स्ट SUV कॉप होने वाली है, जो कि हमें महिंद्रा की अपकमिंग XUV 700 की टॉप पोजीशन में देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड, इसका सेलिंग यानी कि इसका भी सेलिंग है वो 2024 तक स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल BMW के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि हमें एक्सिस देखने को मिलती है, मतलब कि फ्रेंड इसका लुक है वो हमें BMW एक्सिस जैसा देखने को मिलता है। और फ्रेंड, ये हमें स्पोर्टी लुक के साथ देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड, ये हमें 4-डोर कोप वर्जन ऑफ XUV 700 देखने को मिलने वाला है, मतलब कि फ्रेंड जो XUV 900 है वो हमें XUV 700 का ही एक कोप वर्जन देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें एक्सटीरियर एलिमेंट्स लाइक पिलर लेस सुसाइड डोर्स, जो कि हमें कॉन्सेप्ट में भी देखने को मिलने थे, वो हमें शायद प्रोडक्शन वर्जन में भी देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड, जो XUV 900 है, उसका इंटीरियर हमें इसकी सिस्टर कार के जैसे ही देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें सेम इंजन एंड सेम ट्रांसमिशन ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें 2.0 लीटर पेट्रोल एंड 2.2 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें 6-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स एंड 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।